हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इन्वेस्टिंग के बारे में। इन्वेस्टिंग कितने प्रकार की होती है। तो गाइस, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि इन्वेस्टिंग कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे IPO की, जो कि एक साल में कम से कम 6 से 7 IPO निकल ही जाते हैं, जिसमें आप आसानी से 15 से 16 हज़ार रुपये लगाकर 5 से 6 हज़ार रुपये आसानी से अर्न कर सकते हैं। दूसरा टाइप है म्यूचुअल फंड, जिसमें आप 12 से 18% पर ईयर आसानी से अर्न कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको 1 से 5 साल के लिए होल्ड करना होगा। और फिर आता है तीसरा टाइप, जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जिसमें जो रिटर्न है वो मिलते हैं 15 से 20% पर साल, और इसमें होल्ड करना पड़ता है वो है 1 साल से ज़्यादा के लिए। तो गाइस, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सबसे अच्छा है आपके लिए वो है इन्वेस्टिंग, जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग भी लगाना नहीं पड़ता है और लॉन्ग टाइम में अच्छा प्रॉफिट भी आप अर्न कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है।